हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। अभी हमारा जो ये नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम प्लांट्स के अंदर मल्टीपल एलील सिस्टम और इसका सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी से किस प्रकार से कनेक्शन होता है उसकी बातें करेंगे। ये एम्ब्रियोलॉजी के अकॉर्डिंग भी टॉपिक बनता है बॉटनी वाले बच्चों के लिए, और जेनेटिक्स का तो खैर मल्टीपल एलील सिस्टम के वजह से होता ही है। जैसा कि मल्टीपल एलील सिस्टम से हमें पता है कि किसी भी जीन की खूब सारी अल्टरनेट कॉपीज होंगी, तो यहाँ पे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को कंट्रोल करने वाला जीन जो एस जीन है, उसकी सेवरल एलील्स हैं, उसकी सेवरल अल्टरनेट कॉपीज हैं, जैसे कि S1, S2, S3, S4, S5 ऐसे। तो करैक्टर के रूप में तो आएगा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, फिनोटाइप तो ये है, और कंट्रोल कर रहे हैं इसको मल्टीपल एलील सिस्टम। और ये एक्चुअल में सिस्टम ये एस एलील से बना हुआ सिस्टम है। प्लांट्स में इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि प्लांट खुद के ही पोलन्स को या खुद के जैसे जीनोटाइप वाले पौधों के जो पोलन्स होते हैं उनको अपने स्टिग्मा पे जर्मिनेट करने से रोकता है, ताकि दूसरे प्रकार के प्लांट्स के पोलन ही जर्मिनेट हों, ताकि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो मेंटेन होती रहे, अडेप्टेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्वाइवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छे जीन है उनका अगली पीढ़ी में समावेश हो चुके। तो इसके लिए प्लांट्स एक मैकेनिज्म को अडॉप्ट करता है कि अपने जैसे जिसके जीन उसे मिलते हों या उसके खुद के ही पोलन, यानी कि देखा जाए तो एक ब्रॉड सेंस में हम कह सकते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन को रोकता है और क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ के अंदर खुद के जैसे पोलन्स को रोकने से, जर्मिनेट करने से रोकना, दिस इज अनकम्पेटिबिलिटी। प्लांट्स में दो प्रकार से ये अनकम्पेटिबिलिटी होती है, गैमेटोफिटिक होती है, एक स्पोरोफिटिक होती है। हम दोनों को यहाँ पे समझ लेंगे। पहले हम बात करते हैं कि जो प्लांट्स के अंदर फ्लावर बनेगा, तो फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा के नीचे स्टाइल है, देन ओवरी है, ये ओवरी, और दिस इज स्टिग्मा जहाँ पे पोलन्स को रिसीव किया जाता है, पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर लैंडिंग करते हैं, वो पोलिनेशन की मैकेनिज्म होती है। और जब हम पोलन ग्रेन की बात करते हैं तो इसके अंदर एग्जाइन, फिर इंटाइन, ये सब है। इसके अंदर एक हैप्लोइड, क्योंकि पोलन ग्रेन हैप्लोइड होते हैं, तो ये इसका न्यूक्लियस है, हैप्लोइड न्यूक्लियस। अगर हम स्टिग्मा की बात करें तो ये डिप्लोइड टिश्यू होता है, स्टाइल भी डिप्लोइड टिश्यू होता है, ओवरी भी डिप्लोइड टिश्यू होता है, बट इसके अंदर जो ओव्यूल्स लगे रहते हैं, ओव्यूल्स के अंदर जो एग सेल होती है वो हैप्लोइड होता है। ये तो इनकी बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बातें हो गई, कि अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो प्लांट्स की जो बायोलॉजी उसमें इस प्रकार से है। सपोज़ कोई भी प्लांट, कोई भी पोलन ग्रेन हमने लिया, इस पोलन ग्रेन को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं पोलन मदर सेल, या इनको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये एंथर के लोक्यूल के अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, और ये रिडक्शन डिवीजन के द्वारा ये डिप्लोइड है, रिडक्शन डिवीजन के द्वारा ये हैप्लोइड पोलन ग्रेन्स बनाती हैं। सपोज हमने जो पोलन मदर सेल ली उसमें जीनोटाइप मान लो कि S1, S2 है, हेटरोजाइगस कंडीशन है एस एलील को लेकर के, तो इसके जो पोलन्स बनेंगे उसमें दो प्रकार के पोलन बनेंगे, क्योंकि हैप्लोइड है तो या तो उसमें S1 एलील आएगी या उसमें S2 एलील आएगी। इसी प्रकार से अगर हम पौधा वो लेते S2, S3, तो इसके पोलन्स कैसे बनते, इसके पोलन्स बनते पहला S2 50% और दूसरे S3, यानी कि पोलन के अंदर कौन सी एलील होगी, पोलन के अंदर कौन सी एलील होगी, ये इन दोनों में से कोई सी होगी, 1/2 ये ऐसे, राइट। तो यहाँ जो पोलन आ रहा होता है इसके अंदर जो न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस में कोई ना कोई सी एलील है, मान लो कि ये S1 एलील इसमें आ रही है। ऐसे ही जो स्टिग्मा है
ये डिप्लोइड है, सपोज इसमें भी S1 S2 कंडीशन है। पोलन ग्रेन की अगर हम बात की तो इसमें हमने एलील ली S1 और नीचे जो स्टिग्मा है उसका जीनोटाइप हमने ले लिया S1 S2। तो इनकम्पेटिबिलिटी में आपको ये समझना है कि स्टिग्मा अपने ऊपर गिरे हुए पोलन को जर्मिनेट होने देगी या नहीं होने देगी, तो वो डिपेंड करता है कि सामने जो पोलन आया हुआ है उसका जीन इसके जीन से अलग है तब तो जर्मिनेट करने देगी, और उसके जैसा है तो जर्मिनेट करने नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर भी S1 है और यहाँ पर भी S1 है तो ये जर्मिनेट नहीं होगा। ऐसे अगर दूसरा पोलन आता है इसका S2 वाला तो ये भी जर्मिनेट नहीं होगा। इसी प्रकार से आप इसका लेते हैं S2 तो वो भी जर्मिनेट नहीं होता, लेकिन अगर S3 वाला यहाँ पे गिरे तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि पोलन ग्रेन की साइड से जो एलील आ रही है, अगर ये एलील स्टिग्मा की साइड में जो दो एलील्स हैं उनसे मैच कर गई, किसी से भी मैच कर गई, तो जर्मिनेशन नहीं होगा, राइट। ये मामला होता है गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का। ऐसा हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्टिग्मा ने पोलन्स को रिजेक्ट कर दिया, स्टिग्मा ने पोलन्स को रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने का बेसिस क्या है, रिजेक्ट करने का बेसिस क्या है, बेसिस है कि वहाँ पे जो सिंगल एलील है उसको मैच कराया गया, कि वो मैच हुई तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इट मीन्स स्टिग्मा ने पोलन ग्रेन को रिजेक्ट करने के लिए पोलन ग्रेन के अंदर जो एलील प्रेजेंट है उसका सहारा लिया। पोलन ग्रेन अपने आप में एक गैमेटोफिटिक फेज होती है क्योंकि ये हैप्लोइड है, तो हमने इसको नाम दे दिया गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अगर हम इस चीज़ को इस वाले केस से समझें S2 S3, जैसे इसमें दो प्रकार के S2 और S3 दो प्रकार के पोलन जर्मिनेट इसमें बनेंगे, और स्टिग्मा अगर हम इसी को वापस से लें तो S2 वाले तो जर्मिनेट नहीं होंगे क्योंकि S2 तो इसके द्वारा रोक दिया जाएगा, लेकिन S3 वाले जर्मिनेट होंगे। यानी कि GSI वाले पैटर्न के अंदर S1 S2 अगर हम स्टिग्मा को लेते हैं और पोलन मदर सेल अगर हम S2 S3 लेते हैं तो उसके आधे पोलन्स तो काम में नहीं आएंगे जबकि आधे वाले काम में आ जाते हैं, क्योंकि रिजेक्शन का बेसिस है वो हैप्लोइडी नेचर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की। सपोज आपने यही पौधा ले लिया S2 S3, ये पोलन मदर सेल वही है S2 S3, और स्टिग्मा आप इसमें जो पोलन बनेंगे वो तो वही दो प्रकार के बनेंगे S2 S3। और स्टिग्मा की अगर हम बात करें तो स्टिग्मा एक बार हम इसी चीज़ के अकॉर्डिंग यही ले लेते हैं S1 S2, तो GSI के अकॉर्डिंग तो ये जर्मिनेट नहीं, सॉरी GSI के अकॉर्डिंग ये जर्मिनेट नहीं करेगा और ये जर्मिनेट करेगा, क्योंकि आपने केवल एलील देखी, ये मैच नहीं करती है, S2 मैच करती है इसलिए रिजेक्ट हो गया, और S3 मैच नहीं करती है इसलिए वो जर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबल की बात करें तो वहाँ पे रिजेक्शन का जो बेसिस होता है, जैसे यहाँ पे रिजेक्शन का बेसिस था कि पोलन ग्रेन के अंदर जो एलील थी वो थी GSI के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करती, यहाँ पे बेसिस चेंज है। कौन सा बेसिस है, पोलन ग्रेन की मदर सेल। तो पोलन ग्रेन की मदर सेल हमने कैसे ली है, S2 S3। हालांकि स्टिग्मा के ऊपर तो क्या गिर रहा है, स्टिग्मा के ऊपर तो पोलन ही गिर रहा है, पोलन या तो S2 आएगा या S3 आएगा, इसके अकॉर्डिंग S2 आएगा तो जर्मिनेट नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग S3 आएगा तो हो जाएगा, लेकिन ये GSI का तो मामला ही नहीं है, ये हमें मामला किसका लेना है, SSI का लेना है। चूँकि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी जो भित्ति होती है, जो एग्जाइन होती है, उसी एग्जाइन के अंदर एक मटेरियल होता है, दिस इज स्पोरो पोलेनिन,
और जो स्पोरोपोलिनिन होता है ये एक्चुअल में जो एंथर वॉल की एक भित्ति होती है टेपेटम, टेपेटम से आया हुआ होता है। टेपेटम टूटती है और उसका मटेरियल स्पोरोपोलिनिन बनाने में काम आता है, यानी कि टेपेटम जो होती है वो पोलन मदर सेल की तरह ही क्या होती है, डिप्लोइड होती है। यानी कि अगर पोलन मदर सेल में S2S3 है तो टेपेटम में भी क्या होगा, S2S3 होगा। तो स्पोरोपोलिनिन उसी से बना होता है तो इसमें भी क्या होगा, S2S3 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ऐसे स्टिग्मा लें और उसके ऊपर हम इसको डालें, इसी पोलन को डालें, चाहे आप इसी S3 को ले लें कि सपोज ये S3 वाला है, लेकिन यहाँ पे S3 को नहीं देखा जा रहा है, S3 काम में नहीं आ रहा। S3 काम आता है GSI सिस्टम के अंदर, अंदर कौन सी एलील है वो काम आती है GSI में, वो यहाँ पे बेसिस ही नहीं है। बेसिस क्या है कि मदर में कौन सी एलील्स थी, तो मदर में एलील्स का मतलब स्पोरोपोलिनिन को चेक किया जाएगा। तो स्पोरोपोलिनिन के अंदर क्या है, S2 S3, अगर इनमें से कोई सा भी एक यहाँ से मैच कर गया, क्योंकि यहाँ पे क्या S2 S2 मैच कर गया, इस मीन्स रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो अंतर था GSI सिस्टम के अंदर, पोलन के अंदर जो एलील थी बस वो काम आती है, दैट इज हैप्लॉयड नेचर, इसलिए हम इसको बोलते हैं गैमेटोफिटिक। और SSI के अंदर क्या काम आया, पोलन की भित्ति वॉल, और वॉल में भी कौन सा मटेरियल, स्पोरोपोलेनिन, उसकी एलील्स, नॉट सिंगल एलील, एलील्स। और इसका मतलब क्या है, उसकी भित्ति या स्पोरोपोलेनिन दैट आर इक्वल टू पोलन मदर सेल, क्योंकि ये दोनों भी डिप्लोइड ही हैं और ये भी डिप्लोइड ही है। इसका मतलब यहाँ पे केवल एक एलील को देख करके रिजेक्शन, और यहाँ पे दो एलील्स काम में आती है, जैसा कि आपने यहाँ पे समझा कि दोनों में से कोई सी मैच हो गई तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज द केस ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इन प्लांट्स, जिसको कंट्रोल करने के लिए एस एलील्स काम आती हैं और पौधे दो पैटर्न काम में लेते हैं, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक में मदर को ना देख करके उसी के एलील को देखते हैं, जबकि स्पोरोफिटिक के अंदर उस मदर को देखते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे उस पौधे को ही रिजेक्ट कर दिया जिससे वो पोलन बनाता, और यहाँ पे तो केवल उस पौधे के आधे पोलन तो पौधा काम में ले ही रहा था। तो अदर पौधे के जीन्स या बेटर जीन्स या डिफरेंट प्रकार के जीन्स अगली पीढ़ी में जाएं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से SSI है वो ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। तो दिस इज द केस ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कंट्रोल बाई मल्टीपल एलील सिस्टम। ओके, थैंक यू।